गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स ब्राइट संडे टुडे एंड अभी का जो टाइम हो रहा है 10:45 इन द मॉर्निंग। एंड आज मैं निकला हूँ एक छोटा सा मोटो व्लॉग करने के लिए। छोटा सा मोटो व्लॉग यानी कि आज हम लोग डेली ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से डेली ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है मैंने। बहुत दिन हो गए, आप लोगों से ऐसे खुल के बातें भी नहीं हुई है। सो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से बातें करते हैं एंड हाल चाल पूछते। भाई तो कैसे है सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक छोटे से काम से, इसलिए बाहर निकला था। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, 10-15 मिनट में रिटर्न आ जाऊँगा घर पे। एंड हाँ भाई, हमारे उरन राइड की वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, तो अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो आप जाके देख लो या फिर चैनल पर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा। एंड भाई मेरे हेलमेट के अंदर मक्खी चली गई है। ओ शेट, मुँह के अंदर ना चली जाए भाई बात करते करते। निकल। ओके भाई, पता नहीं कहाँ से आ गई। और हाँ भाई, उरन के राइड में ना मनीष का भाई ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि ज़्यादा कुछ लगा नहीं है उसको, ज़्यादा कुछ मतलब लगा ही नहीं है, इतना बार बार बच गया मनीष। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में नोटिस करने जैसी है वो है सेफ्टी गियर्स। आप लोगों को पता चल गया होगा इतना गंदा वाला वो गिरा है फिर भी उसको एक खरोच तक नहीं आई है। ये सब है सेफ्टी गियर्स पहनने का नतीजा। तो इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि सेफ्टी गियर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आप निकलो, हेलमेट, ग्लव्स, नी गार्ड, एल्बो गार्ड पहना करो, क्योंकि कैसा है ना, जब भी आप गिरते हो तो सबसे पहले आपके हाथ ज़मीन को टच होते हैं, उसके बाद पैर। तो नी गार्ड, एल्बो गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ ग्लव्स, हेलमेट वो तो है ही ज़रूरी। सो ये सब पहन के आप राइड किया करो। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप राइडिंग जैकेट लो, अगर नहीं भी है तो भी ठीक है, लेकिन संभाल के राइड किया करो। वैसे तो गलती मेरी ही थी, मैंने सिग्नल देखा नहीं एंड मैंने ब्रेक दबा दिया, बट ठीक है यार, होती है गलती, हर किसी से होती है एंड राइड पर ये सब होता रहता है, सो नेवर माइंड। तो अभी बाइक के जो सर्विसिंग है वो भी नज़दीक आ चुकी है, तो एक दो दिन में जाके मैं सर्विस सेंटर में बाइक को सबमिट कर दूंगा सर्विसिंग के लिए। एंड यहाँ से अभी फ़िलहाल लेते हैं राइट। ओ मैडम जी, वैसे आज जो है ना हमारा एक अलग प्लान बन रहा था कि हम लोग आज कैंपिंग के लिए जाने वाले थे, मैं, मनीष और निखिल, बट निखिल को किसी रीज़न से बाहर जाना पड़ा, इस वजह से वो कैंसिल हो गया, तो हम दोनों जाके कुछ मतलब नहीं है। सो देखते हैं नेक्स्ट संडे को अगर पॉसिबल हुआ तो चले जाएंगे। एंड लोकेशन वगैरह जो है वो आपको तभी पता चल जाएगी कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो गाइज़ अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो गाइज़ हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, हॉट टॉपिक, वो है लद्दाख, द ड्रीम लैंड ऑफ एवरी बाइकर्स। तो भाई मेरे दो तीन दिन से ना मेरे अंदर एक भूत सवार है कि मेरे को लद्दाख जाना है, मेरे को लद्दाख की राइड करनी है। पता नहीं कहाँ से आया ये, लेकिन दो चार दिन से ना मैं वीडियोस देख रहा हूँ लद्दाख के, बहुत इच्छा हो रही है मेरी लद्दाख जाने की। तो मैं अभी ना प्लान बना रहा हूँ लद्दाख जाने का। 2023 में हम लोग लद्दाख जाने वाले हैं। जी हाँ, आई नो कि बहुत टाइम है अभी 2023 के लिए। एक था कि आपको एक अपडेट दे दूँ कि हम लोग 2023 में लद्दाख राइड करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे जारवस के ऊपर ही करेंगे, जारवस को लेके जाएंगे। अभी पता नहीं ये बाइक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, बहुत सारी तैयारी करनी है। एंड सबसे मेन चीज़ वो है बजट, पैसा, पैसा कितना खर्चा होगा। सेविंग जो है ना मैंने आज से स्टार्ट, इनफैक्ट मैंने कल से ही स्टार्ट कर दी है। सो सेविंग तो हो जाएगी एंड भाई अपने पास तो क्रेडिट कार्ड है ही, तो हो जाएगा मैनेज। तो गाइज बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हर एक बाइकर का ये ड्रीम होता है लद्दाख जाना, अपने बाइक को लद्दाख लेके जाना। वैसा ही सपना हमने भी देखा है, 101% हम लोग लद्दाख जाएंगे अगले साल, तब तक थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। सो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ फिलहाल उल्लासनगर, तो यहाँ से जो मेरा काम है वो निपटा लेता हूँ मैं एंड उसके बाद आपको जाते वक्त मिलता हूँ डायरेक्ट। सो चलो भाई। ऑल राइट, सो गाइज अभी मेरा काम हो चुका है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे। तो अभी का जो टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उल्लासनगर आ ही गया तो अभी अंजलि से मिल लेता हूँ, कॉल करते उसको एंड पूछते अगर वो फ्री होगी तो फिर मिलेंगे, नहीं तो घर पे चले जाएंगे। हाँ कहाँ पे हो? घर पे। अच्छा घर पे हो। मैं एक्चुअली ना उल्लासनगर आया था तो मैं सोचा आपसे मिल लूँ।
फ्री हो क्या? मैं अभी 4 नंबर पे हूँ। 4 नंबर में तो आ जाइए। कहाँ पे, मतलब कहाँ पे मिलोगे? ये है ना गुरु नानक स्कूल के यहाँ पे, नहीं कुर्ला गैंग के साइड हो जाता है। हाँ 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 पता है ना? पता देखता हूँ मैं, मैप लगा लेता हूँ। ठीक है, या नेताजी रोड पता होगा ना, वहाँ से एकदम स्ट्रेट जाना रहता है ना। हाँ 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 ओके ठीक है। मैं बोलने नहीं हुआ, मैं रेडी भी नहीं हुआ, मेरे को खाए गए पे रेडी होना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आ जाओ वैसे जैसे हो वैसे आ जाओ। हाँ सर, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ क्या क्या सरप्राइज है? मेरे के बताते हैं। अच्छा, अरे वाह, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर, मैं आता हूँ 5 मिनट में पहुँचता हूँ। ठीक है, मुझे कॉल। हाँ मेरा काम, एक्चुअली मेरा काम था तो अभी जस्ट हुआ है तो आ रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय। चलो भाई, कॉल तो कर लिया उसको, तो आती ही होगी अभी थोड़ी देर में, तो जाते हैं नेताजी पे। A few moments later. ओए कैसे हो? बस बढ़िया, ऐसे ही आ रहे, काम था एक तो ऐसे ही आया था मैं। आप रेडी भी हो गए और बोलते मैं रेडी नहीं थी। कपड़े पहने थे, रेडी नहीं हुई थी तो भी। और कैसा लग रहा है मंदिर आके? चटके लग रहे हैं। चटके क्यों? क्यों मतलब? क्यों मतलब लग रहे? अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आए थे शिव मंदिर एंड मेरी गोप्रो की जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है। रात को मैंने चार्ज पे नहीं रखा था, ऐसे ही लेके आया, तो अभी फोन से शूट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम? क्या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम नहीं, इसके पहले भी किया है मैंने। लास्ट वाली वीडियो में देखा नहीं आपने, फोन से शूट किया था वो। हमारे जस्ट दर्शन हो चुके हैं एंड अंदर फोन अलाउड नहीं था इसलिए हम लोग फोन लेके नहीं गए अंदर। ये देखो, तो आज का वीडियो जो है ना यहीं पे एंड करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ बोलना चाहोगे? गाइस अंजलि बोल रही थी कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया है, क्या बोलते हो, लोकी कोकी? हाँ कोकी लाया है, मतलब मैंने एक बार खाया था तो मेरे को बहुत पसंद आई थी, तो आंटी को मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो बना के रखना मेरे लिए। सो आंटी ने आज भिजवाया है, ये स्पेशल इनके लिए बनाया। मैं बोलती हूँ तो मम्मी बनाती नहीं है। आंटी देखो क्या बोल रही है, बड़ी इनके कहने पे बना दिया। देखो आंटी क्या बोल रही है। तो सही है ना? तो अभी मैं ये घर पे लेके जाऊँगा एंड खाऊँगा। सो मुझे भी थोड़ा सा। नहीं आप घर पे जाके खा लो, आंटी आंटी बना लेंगे। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।